हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे व्रत की रेसिपी। इसमें आपको ना तो साबूदानों को घंटों भिगोना है, ना ही हमें कुछ उबालना है। बहुत ही झटपट से ये रेसिपी हम तैयार करेंगे, तो चलिए वीडियो को फटाफट देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी साबूदाना लिया है, और आप छोटा दाना या फिर बड़ा वाला कोई भी दाना ले सकते हो। अब इसे हम मिक्सी जार में डालेंगे और इसे हम ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। अब यहाँ पे मैंने दो कच्चा आलू लिया है, इसे भी हम छील लेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काट लेना है। ये रेसिपी बहुत ही झटपट बन करके तैयार हो जाती है, और खाने में तो मत पूछिए, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने साबूदाना को ग्राइंड कर लिया है, अब इसे हम साइड में रखते हैं। अब ये सेम मैंने मिक्सी जार लिया है, और इसमें अब आलू डाल देंगे कटा हुआ, दो हरी मिर्च मैंने लिया है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और इसे भी हम बारीक पीस लेंगे, एकदम पेस्ट बना लेना है। तो बिना पानी डाले ही ये आराम से पेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे साबूदाना को मैंने एक पैन में निकाल लिया है, आप कोई भी एक बर्तन ले सकते हो जिसमें आप इसे मिक्स कर सको। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने आलू भी पीस लिया है। तो अब ये जो आलू का मिश्रण है उसे हम साबूदाना में डाल देंगे, और इसमें अब हम डालेंगे 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अगर आप सेंधा नमक खाते हो तो आप इसमें सेंधा नमक डाल सकते हो, हम नहीं खाते हैं तो यहाँ पे मैंने नहीं डाला है। तो बस इस मिश्रण को हमें मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। तो यहाँ पे ये देखिए, इसे मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा ड्राई लगे तो थोड़ा सा आप इसमें पानी मिला सकते हो। तो ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ड्राई लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसे फिर से एक बार मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने इस तरह का पोलोथीन लिया है, आप कोई पैकेट दूध का, नमक का, कोई भी पैकेट ले सकते हो। अगर आपके पास पैकेट नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊँगी किस तरह से बनाना है। अब इस मिश्रण को हमें ये प्लास्टिक के बैग में फिल कर लेना है, तो एकदम पूरा मत भर लेना, आधा इसे हमें भर लेना है। और ये देखिए, इस तरह से इसे फिल कर लेना है। तो ऊपर थोड़ा सा जगह होना चाहिए जिससे हम उसे होल्ड कर सके, तो इतना हमें इसे भर लेना है। तो अब चलिए इसे चलते हैं फ्राई करने। तो यहाँ पे मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था, फ्लेम हमें मीडियम रखना है गैस का। तो तेल जब गर्म हो जाए फिर हम इसमें ये मिश्रण डालेंगे। तो मैंने पीछे साइड से कट लगा दिया है, तो आपको जितना कट लगाना हो, थोड़ा सा ज़्यादा कट लगाइएगा, वो निकलने में आसान होगा। अगर ये निकालने में दिक्कत हो रहा है तो आप कैंची से इसे थोड़ा थोड़ा दूरी पे काट सकते हो, या फिर यहाँ पे तो बिना कैंची से ही बहुत आसानी से निकल जा रहा था, तो कैंची लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बस इस तरह से हमें डालते जाना है, और बीच बीच में मिलाते रहना है, वरना ये क्या होता है कि एक एक करके चिपक जाएगा, लेकिन बाद में जब फ्राई हो जाएगा ना तो ये अपने आप निकल जाता है। तो इसे हमें मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है, क्रिस्पी करना है इसे। तो ये देखिए, बस इसे फ्राई होने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेगा, और ये देखिए यहाँ पे ये फ्राई हो गया है, और कलर भी आप देख रहे हो कि पकौड़े के जैसा आ गया है। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर किचन टावल पर हम इसे निकाल लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाए। अब आपके पास प्लास्टिक बैग नहीं है या फिर कोई पैकेट नहीं है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल जैसे हम पकौड़ा छानते हैं ना, फ्राई करते हैं, वैसे ही हमें पकौड़े के जैसा इसे फ्राई कर लेना है, लास्ट में खाना ही है। तो बस शेप थोड़ा अलग अलग होता है तो अच्छा लगता है दिखने में। आधे को मैंने दिखाया जैसे मैंने फ्राई किया है, और जो बाकी बचा हुआ है उसे हम पकौड़े के जैसा फ्राई कर लेंगे। तो इसे भी हम एक एक करके तेल में डालेंगे। तो मिश्रण को हम थोड़ा थोड़ा करके तेल में डालेंगे, और इसे भी हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, तो गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये भी अब फ्राई हो गया है, चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने चटनी तो नहीं बनाया, लेकिन अगर आपको चटनी बनाना है तो आप मूंगफली का चटनी बना सकते हो, धनिया मूंगफली मिक्स करके चटनी बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है, ट्रस्ट में बिना नमक के भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब यहाँ पर ये बन गया है, आप इसे चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हो, अगर आपका फास्ट नहीं है तो आप इसे केचप के साथ भी ले सकते हो, बहुत सही था खाने में, एक बार आप बना करके ज़रूर देखना। और ये देखिए, मैं तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ, ये बहुत अच्छे से पका है,
और एकदम क्रिस्पी बना है, तो आप इसे ज़रूर बनाइए। व्रत में बना सकते हो या फिर नॉर्मल डेज में बना सकते हो, बस नमक डालने का फ़र्क है, बाकी आप कभी भी इसे बना करके खा सकते हो। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, आपने देखा ही। तो इसे ज़रूर बनाए, खाए और सभी को खिलाए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। धन्यवाद।